She's dearest to me. इसका ख्याल रखना। जान से भी ज्यादा। मुझे एक एक की चीख सुननी है। सलमान खान के किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज। जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की OTT अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की OTT रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद OTT पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब OTT पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर Tiger 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है।
हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल विषय समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था।
वहां रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे। डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले, अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद
सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड है और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं।
इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की OTT अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की OTT रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद OTT पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब OTT पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर, फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है।
हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था।
ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपने पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा दौड़ो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले, अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरन आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं।
पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजतन एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है, कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है, लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है, वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए, हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी, ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म बिरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकट
रघुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की OTT अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में
नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार।
हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए, हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी, ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है, कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है, लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है।
शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फर्म का असल व विषय समझ में आएगा कि फर्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फर्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म बिरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था।
प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहां रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे। डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले, अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड है और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं,
अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शन पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज। जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था।
सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है।
एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज। जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है,
लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा दौड़ो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहा देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले, अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरन आदर्श कहते हैं,
आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजतन एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है, कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है, लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है, वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए, हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की OTT अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की OTT रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद OTT पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब OTT पर नजर आएगी, ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन
ड्रामा फिल्म बीरम की रीमेक है। इस फिल्म में समा खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद
बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड है और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है।
ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए, हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी, ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है, कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है, लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं
तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फर्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फर्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फर्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है।
पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी। वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहां रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे। डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज। जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की OTT अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की OTT रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद OTT पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब OTT पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा।
किसी का भाई किसी की जान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कंटेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सभी को उम्मीद थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की OTT अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की OTT रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड है और सिनेमाघरों में देखने के बाद OTT पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब OTT पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को
लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान, एक्सपर्ट्स बोले अब बस कंटेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शन पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है। हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म के भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान इस दिन हो रही है ओटीटी पर रिलीज, जाने कब और कहां देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की
रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाई। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ कमा पाई है, लेकिन कई फैंस ऐसे हैं जो फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान की ओटीटी अपडेट की जानकारी। सलमान खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लीड रोल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमियो करते हुए कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर पठान का नाम भी शामिल है। सलमान की फिल्म की ओटीटी रिलीज की खबर सुनने के बाद एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सिनेमाघरों में देखने के बाद ओटीटी पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सलमान खान की एक्शन ड्रामा अब ओटीटी पर नजर आएगी। ये इस शुक्रवार 26 मई से G5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस फिल्म को लाख लुक सिनेमाघरों में नहीं उठा पाए हैं, अब वो घर बैठे इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म से सलमान खान ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस मूवी को फरहाद समजी ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ग्लोबल लेवल पर 175 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में इसका कलेक्शन 101 करोड़ रुपए था। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान 2014 में आई तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म विरम की रीमेक है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश डग्गुपति, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुवाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म से शहनाज गिल और पलक तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट्स बोले अब बस कॉन्टेंट का सहारा। किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म की सक्सेस की तुलना पठान से होनी शुरू हो गई है। कोई ऐसी उम्मीद लगा रहा है कि ये फिल्म भी शाहरुख खान की पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल होगी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या सोचना है वो खुद बता रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श कहते हैं, आप पठान की सक्सेस की उम्मीद किसी का भाई किसी की जान से नहीं कर सकते हैं। पठान की एडवांस बुकिंग का जो क्रेज था किसी का भाई किसी की जान के लिए, वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला। नतीजनत एडवांस बुकिंग कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं थी। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाहरुख एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे, वही सलमान खान गैप के बाद ईद में आ रहे हैं। वैसे उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। देखिए क्या होता है कि फिल्म का एक पूरा पैकेज मायने रखता है। पठान का जबरदस्त पैकेजिंग रही थी, वह शाहरुख थे, दीपिका थी और यशराज था, प्लस सलमान खान का भी कैमियो था। वहाँ रिलीज से पहले गाने भी पॉपुलर हो गए थे, डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद थे। हाँ, अगर टाइगर 3 होती तो बात अलग थी। इस फिल्म का जलवा देखने लायक है। यहाँ डायरेक्टर भी कुछ वैसे खास नहीं है। कमजोर डायरेक्टर की वजह से भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट फिल्म का माहौल उतना नहीं बना है। लोगों को ट्रेलर में भी कोई वाव फैक्टर नहीं नजर आया था। ये सभी फैक्टर्स एडवांस बुकिंग में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तरन आगे कहते हैं, फिल्म अपनी पहली पड़ाव में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, तो आगे चलकर फिल्म का सारा डोरो मदार कॉन्टेंट पर टिक जाती है। अब थिएटर पर जाकर मिलने वाले रिएक्शंस पर ही फिल्म का भविष्य टिका हुआ है। लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर फिल्म आगे निकल जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलनी सकती है। शुक्रवार को तो रमजान है, उस दिन बिजनेस स्लो ही होना है। हाँ, शनिवार को ईद के दिन ही फिल्म का असल भविष्य समझ में आएगा कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मीडिया के बीच भी फिल्म नहीं दिखाई है, तो इसलिए रिलीज के बाद ही उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स गिरीश जौहर ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक किसी का भाई किसी की जान सलमान की मेजर रिलीज फिल्म है। एक्टर, फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई है।
हाँ, एडवांस रिजल्ट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, लेकिन सलमान के फैंस का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पोस्ट कोरोना बॉक्स ऑफिस का डायनामिक भी बदला हुआ है। वो पहले हफ्ते ही पता चल पाएगा कि लोगों को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं। दर्शक अब कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म पूरी तरह से कॉन्टेक्ट पर आकर टिक गई है। ईद की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो शुक्रवार तो धीमी होगी रफ्तार। हो सकता है शनिवार को फिल्म अपने पेस में आए। हो सकता है पहले दिन 15 से 18 करोड़ के बीच आकर फिल्म सिमट जाए। शनिवार को फिल्म की भविष्य की क्लैरिटी मिलेगी कि ऊपर जाती है या फिर फ्लॉप होती है।